राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम और एक छोटे से कान्हा जी का पोशाक बनाएंगे, जो देखिए इस तरह से कुछ डिजाइन द्वारा हम बनाए हुए हैं। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चोली बना लेंगे। चोली बना लेने के बाद एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाते हुए एक लाइन हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पे हम चोली बनाकर एक लाइन कंप्लीट कर लिए हैं और साथ में तीन चेन भी बना चुके हैं। अब बल लेंगे, इसी स्थान से एक बार, डबल क्रोशिया हमें नहीं बनाना, बस एक बार इस तरह से बल लेकर एक बार दो का एक करना है, ये हम करेंगे तीन बार। अब देखिए हमारे पास हुक में चार फंदा है। अब चारों को हम एक साथ बंद करेंगे, फिर से चार चेन लेंगे, उसी स्थान पर जाकर जोड़ देंगे। अब अगली चेन पे हुक को ले जाएंगे इस ढंग से, दो का एक करते हुए, फिर अगली चेन पे दो का एक करते हुए, फिर से हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, और इसी चीज़ को हम रिपीट करेंगे। तो बस इस तरह से हम पूरी गोलाई में इसे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम इसे यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर लिए, लास्ट यहाँ ले आए। अब इसे यहाँ लाकर हम जोड़ लेंगे। सबसे पहले इस पे जोड़ेंगे, इसके बाद हम इसे इस तरफ ले आएंगे, जोड़ लेंगे। अब देखिए, अब ये अब गोलाई में हमें फिर से बनाना है। कैसे? चेन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन लेने के बाद आठ चेन ले लेते हैं। आठ चेन लेने के बाद अब इसे हम उल्टा तरफ कर लेंगे, और उल्टा तरफ करने के बाद यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे दोनों के बीचों बीच में। फिर से आठ चेन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, यहाँ लाकर जोड़ेंगे। इस तरह से हम पूरी गोलाई में इसे बना लेंगे। लास्ट हम इसे यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। देखिए, जोड़ लेने के बाद अब हम यहाँ पे देखिए पूरी गोलाई में इसे बनाकर हम कंप्लीट कर लिए इस तरह से। अब हम इसमें जैसे आप देख रहे हैं एक कलर से हम बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ हम कलर चेंज करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, इसे कट कर लेना है और यहाँ पे हम दूसरा कलर जोड़ेंगे। जरूरी नहीं कि हम उसी स्थान से कहीं से भी आप जोड़कर इसे बना सकते हैं। जोड़ने के लिए हम यहाँ से लेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। जोड़ लेने के बाद देखिए हमें किस तरह से बनाना है। सबसे पहले दो का एक करेंगे, फिर बल लेंगे, तीन का एक करेंगे, ये हमें दो बार करना है।
ये एक बार हुआ, फिर से एक बार और करेंगे। अब हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब दो बार फिर से हम बल लेंगे, एक दो। अब इसे बुनेंगे दो का एक, एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार, तीन बार में, यानी ट्रिपल क्रोशिया। ये हमें और एक और दो बार बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम फिर से एक बार और बनाते हैं, एक दो तीन। अब यहाँ से हम चार चेन लेंगे, एक दो तीन चार। अब इस पे लाकर हुक को डालेंगे और निकाल कर इसे भी साथ में निकाल लेंगे। अब इसी चीज़ को हमें फिर से इस तरफ रिपीट करना है, तो इसके लिए हम दो बार बल लिए, एक दो तीन। अब एक बार बल लेकर दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से बल लेंगे और तीन का एक करेंगे दो बार, एक और ये रहा एक। अब फिर से दो का एक करेंगे और इसे लाकर यहाँ पे जोड़ेंगे। ये आपका एक तैयार हो गया। अब अगला तैयार करने के लिए फिर से इसी चीज़ को हम रिपीट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये इस तरह से एक तैयार हो गया आपको। अब इसे हम यहाँ पे पूरी गोलाई में बना लेंगे, जैसा कि देखिए इस पे बनाए हुए हैं, और दो सबों को सिलते हुए हम एक एक मोती लगा लेंगे। जैसे यहाँ पे लगाए हैं तो ठीक वहाँ भी, या तो आप पेस्ट कर लें या तो आप सुई धागा की मदद से इसे सिल लें। ठीक इसके बीचों बीच में एक एक मोती लगाते चले जाएंगे पूरी गोलाई में। देखिए इस तरह से हम इसे यहाँ पे, ये अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ इस ढंग से पेस्ट करें और एक मोती यहाँ पे फिट कर लें। पूरा गोलाई में बना लेने के बाद इस तरह से आप बनाती चली जाएंगी तो आपका ये पोशाक बनकर तैयार हो जाएगा। इस पे हम एक कलर से बनाए हैं और ये देखिए हम यहाँ पे दो कलर से बनाए हैं। बन जाने के बाद ये कुछ इस तरह का देखने में लगेगा, दो कलर का देखने में कुछ इस ढंग का लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।